दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो है रीतिकाल का इतिहास पार्ट 9। रसनिधि, इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए, जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद छत्रापुर ने किया है। अरिल और मांझों का संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक श्रेष्ठता को आघात पहुंचाता है। पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। अद्भुत गति यह प्रेम की, बैनन कहीं न जाए, दरस भूख लागई दृगन, भूखई देत भगाए। लेहुन मजनू गोर ढिग को लैला नाम, दर्दवंत को नेकु तऊ लेन देहु विश्राम। महाराज विश्वनाथ सिंह। दरअसल जो प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हो गए हैं, उनके बाद जो कवि हुए उन्होंने उनका अनुकरण किया, उनकी कविताओं का, उनके लक्षण ग्रंथों का। तो इसी तरह से बिहारी के दोहों का भी इन्होंने अनुकरण किया था। महाराज विश्वनाथ, ये रीवा के बड़े ही विद्यारसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या व्यसनी था, कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्ध हस्त थे। ये ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी कम नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। अष्टयाम, आनिक, आनंद रघुनंदन नाटक, उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनंदन शतिका, रामायण, गीता रघुनंदन प्रामाणिक, सर्व संग्रह, कबीर बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, परधर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचक शतिका, गीतावली पूर्वार्ध, धारुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति पाखंड खंडिका, आदि मंगल वसंत, 34 रयमनी ककहरा शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व संगीत रघुनंदन इत्यादि, ये सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत पंत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द, रैमनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधिनी, कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहल इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है, अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय है। दरअसल लेखन की दृष्टि से ये पहला नाटक हो सकता है, लेकिन बाद में जब नाटक के तत्वों को लेकर के चर्चा हुई तो बहुत सारे तत्वों का अभाव है, तो उस दृष्टि से यह हिंदी का प्रथम नाटक है लेखन की दृष्टि से, सन के हिसाब से। लेकिन नाटक के तत्वों की दृष्टि से यह प्रथम नाटक नहीं माना गया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जानकी प्रसाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक हिंदी का प्रथम नाटक माना है। वो नाटक हम पढ़ाएंगे, तब उसकी चर्चा करेंगे। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक। भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने देखिए। भाइन भृत्यन विष्णु सो रैयत भानु सो शत्रुन काल सो भावे शत्रु बलि सो बचे करी बुद्धि ओ अस्त्रा सो धर्म की रीति चलावई जीतन को करिकेत उपायो दीर्घ दृष्टि सबई फल पावई भाखत है विश्वनाथ धारवही नृप सो कभौ नहीं राज गवाए। भक्तवर नागरी दास जी। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सामंत सिंह जी हैं, जिनका जन्म पौष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े सूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य का अधिकार किया। इस पर गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है कि जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सभी कलह एक राज में, राज कलह को मूल। कहा भयो नृप हु भय ढोवत जग बेगार, लेत ने सुख हरि भक्ति को सकल सुखन को सार। दरअसल मूलतः कविता राज सिंहासन पर बैठ करके लिखने वाली कलाकृति नहीं है। कविता में एक फकीरी चाहिए, कविता के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए जिसके अंदर आप तमाम तरह की विरक्तियों से दूर हो, और अवसाद में कविता जन्म लेती है। कविता के लिए कहा भी गया है, सुमित्रनंदन पंत जी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता रस अनजान। तो और आदि कवि वाल्मीकि का जो पहला श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गम शाश्वत सम यत क्रौंच मिथुना मेकां अधिकां मोहितम्, तो वहाँ पर भी एक क्रौंच पक्षी दूसरे पक्षी के वियोग में व्याकुल है। तो कविता दुख में, अवसाद में, वियोग में, बेचैनी में, फकीरी में जन्म लेती है, न कि सुख में, आराम में, ऐशो आराम में कविता जन्म लेती। और कविता हमेशा कुछ स्थिति ठीक नहीं है उसके विपरीत कहने की कुछ कोशिश करती है। तो इसलिए जब इनको उससे विरक्ति हो गई राजपाठ से, तमाम चीज़ों से, राज से, तब जा कर के कवि बने और कविता मुखरित हो पाई। वृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरी दास नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है नाम को सुना, तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यावहारिक नाम को ठाड़े दूरी उदास, दोरई मिले भरी नयन सुनी नाम नागरी दास। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुँचे। रात को जब यमुना के किनारे लौट कर आए तब वहाँ कोई नाव बेड़ा न था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना ऐसा ही हो गया कि ये यमुना में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है कि देखियो श्री वृंदा विपिन पार, नहीं नाव नहीं कछु और दाव, रहे बार लगन की लगई लाज, यह चित्त माही करी के विचार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बनी ठणी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में आश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र
सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रजलीला संबंधनी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिनके नाम ये हैं सिंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश, पद प्रसंगमाला, ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रजसार, भोर लीला, प्रातरस मंजरी, बिहार चंद्रिका, भोजना नंदाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधान आगमन दोहान, आनंद लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी बैन विलास, रास रसलता, नैन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमन, मजलिस मंडन, अरिलाष्टक, सदा की मांझ, वर्षा ऋतु की मांझ, होरी की मांझ, कृष्ण जन्मोत्सव कवित, प्रिया जन्मोत्सव कवित, सांझी के कवित, रास के कवित, चांदनी के कवित, दीवारी के कवित, गोवर्धन धारण के कवित, होरी के कवित, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित, वर्षो वर्षा के कवित, भक्ति मग दीपिका, तीर्थानंद, फाग बिहार, बाल विनोद, वन विनोद, सुजानंद, भक्तिसार, देह दशा, वैराग्यवल्ली, रसिक रत्नावली, कलि वैराग्यवल्ली, अरिल पच्चीसी, छूटक विधि, पारायण विधि, प्रकाश, शिखनख, नखशिख छूटक कवित, चचरियाँ, रेखता, मनोरथ मंजरी, रामचरितमाला, पद प्रबोधमाला, जुगल भक्ति विनोद, रसानुक्रम के दोहे, शरद की मांझ, सांझी फूल बीनन संवाद, वसंत वर्णन रसानुक्रम के कवित, फाग खेलन समेतानुक्रम के कवित, निकुंज विलास, गोविंद परिचय, वनजर प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला, पद मुक्तावली। इनके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की दो अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के से पहले पाठक को ये जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पदों में वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। इन अर्थात ये कविता संग्रह न होकर के ये कविताएं हैं, जिनको कई लोगों ने अलग अलग पुस्तक के रूप में स्वीकार किया है या माना है, जबकि वास्तविक में 5 से 10 पुस्तकें अधिक से अधिक इन्होंने लिखी हैं इन कविता शीर्षकों के आधार पर। इनमें से बहुतों को 5, 7, 10, 10, 25 पद मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की हैं। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्णलीला संबंधनी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरी दास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पृष्ठ पेषण सी प्रतीत होगी। पृष्ठ पेषण से तात्पर्य यह है कि दूसरी रचनाएं थोड़ा सा फेरबदल करके उसे रख देना वैसी की वैसी, या शब्द बदल के रख देना, उसको भाव थोड़ा बदल देना, तो इस तरह की दृष्टि से। पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे, फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित, सवैया, अरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है, विशेषतः पदों की। कवित्तों की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने नीचे देखिए, वैराग्य सागर से, काहे कोरे नाना मत सुने तू पुरातन के, तई ही कहाँ तेरो मूड़ गूढ़ मति पंग की, वेद के विदा वेद के विवादनी को पावेगो ने पार कहू, छाड़ी देहू आस सब दान न्यान गंग की, और सिद्धि सोधा अब नागर ने सिद्ध कछु, मानी ले हूँ मेरी कही वात राग सुढंग की, जाई ब्रज भोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदावन रेणु रची गोर श्याम रंग की। इश्क चमन से, सब मजहब सब इल्म अरु सबई ऐश के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बर्बाद, आया इश्क लपेट में लागी चश्म चपेट, सोई आया खलक में और भरे सब पेट। अर्थात इश्क एक ऐसा
तत्व है, ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से पेट नहीं भरता, बाकी चीज़ें खाएं तो आप शायद पेट भर जाए। अगले कवि हैं जोधाराज। ये गौड़ ब्राह्मण लाल कृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीमगढ़, वर्तमान नीमराणा अलवर जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की बात है, कि राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीर राशो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध और वीर महाराज हमीद देव का चरित्र वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति पर वर्णन किया गया है। हमीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशक थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में है। जोधाराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है, जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप है का प्रयोग। हमीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है, जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हमीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हट लिखा, उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। ग्वाल कवि के हमीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी रूप में उसी प्रकार की भाषा में जोधाराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। कब हट करई अलावदी रणथंभर, रणथ भंवरगढ़ आही, कबई शेख सरनी रहे बहु रयो महिमा साही। सूर सोच मन में करो पदवी लहो ने फेरी, जो हट छड़ो राव तुम उतन लजई अजमेरी। सरन राखी शेख ने तजो तजो शीसगढ़ देश, देश रानी राव हमीर को यह दीन हो उपदेश। अगले कवि हैं बख्शी हंसराज। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरि किशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश श्री अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचनाएं की हैं। इनके चार ग्रंथ पाए जाते हैं, स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, बारहमासा 1811। इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है स्नेह सागर, का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए। स्नेह सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिनमें कृष्ण की विविधा लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रभाव बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है, कृत्रिमता का लेश नहीं। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है, माधुर्य प्रधानतः है संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पाद पूर्त्य अर्थ नहीं है। सारांश यह है कि इनकी भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में भी पूर्णतः प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। अर्थात भाषा का चमत्कार पैदा करने के लिए उन्होंने कविता नहीं लिखी, बल्कि कविता में जो संदेश देना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उसके लिए जो उपयुक्त भाषा थी उसका प्रयोग किया है। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दमकति दीपति देह दामिनी सी, चमकत चंचल नैना, घूंघट बीच खेलत खंजन से, उड़ी उड़ी दीठ लगई ना, लटकत ललित पीठ पर चोटी, बीच बीच सुमन संवारी, देखे ताही मैर सो आवत मनो भुंज गिनकारी। इतते चली राधिका गोरी सौपन अपनी गैया, उतते अति आतुर आनंद सो आए कुंवर कन्हैया।
कसी भोए हंसी कुंवरी राधिका, कान कुंवर सो बोली, अंग अंग उमगी भरे आनंद सो, दरकत छिन छिन चोली। अगले कवि हैं जनक राज किशोरी शरण। ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधनी बहुत सी कविताएं की हैं। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं, आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चौंतीसी, बारह खड़ी, ललित श्रृंगार दीपक कवितावली, जानकी शरणाभरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अन्यन तरंगणी, राम रस तरंगणी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणाभरण। उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में भी भाषा कविता की है। इनका एक पद आगे दिया जाता है, फूले कुसुम द्रुम विविधा रंग, सुगंधा के चहु चाव, गुंजत मधुप मधुप मदा, नाना रंग रज अंग भाव, सिरो सुगंधा सुमंद, बात विनोद कंत बहंत, परसत अनंग उद्योत ही अभिलाष कामनिकंत। अगले कवि हैं अलबेली अली। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। इनके अतिरिक्त इनका कोई वृत्त ज्ञात नहीं। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्तोत्र है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 333 बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद इनके उद्धृत हैं, लाल तेरे लोभी लोलुप नैन, के ही रस छकनी छके हों छबीले, मानत नाहीन चौन, नींद नैन धोरी धोरी आवत अति घोरी रही कछु नैन, अलबेली अली रस के रसिया कत बिसरती ये बैन। चाचा हित वृंदावन दास, ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गोड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा वल्लभी गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरी दास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर संवत 1844 तक इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के 1,25,000 पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1,00,000 पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। इन्होंने नखशिख, अष्टयाम, समय प्रबंध, छर लीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छर लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती ही की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं, मनिहारी लीला से, मिठ बोलनी नवल मनिहारी, भोए गोल गरूर हैं, याके नैन चुटीले भरे भारी, चूरी लखी मुक्ते कहीं घूंघट में मुस्काती, ससी मनु बदरी ओट दे दुरी, दर्शत यही भाती, चूरो बड़ो है मोल को नगर नगाह कोय, मो फेरी खाली परी आई सब घर टोए, प्रीतम तुम मो द्रगन बसत हो, कहा भरोसे हवे पूछत हो, कई चतुराई करी जो हसत हो, लीजे परखी स्वरूप आपनो, पुत्रिन में तुम ही तो लसत हो, वृंदावन हित रूप रसिक तुम, कुंज लड़ावत ही हो लसत हो। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो रीतिकाल का पार्ट 9। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रीतिकाल के इन तमाम कवियों का एक तरह से ये पूर्व जो परिचय है वो आपको दिया जा रहा है। दरअसल इसका आप एक बार अध्ययन करेंगे तो रीतिकाल को समझने में आपको सुविधा होगी। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों है, रीतिकाल में ऐसी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण कि रीतिकाल को इस रूप में जाना जाता है, ये तमाम चीज़ें आप इस पूरे रीतिकाल को जब अध्ययन कर लेंगे तो समझ पाएंगे।
एक एक कवि की सारी रचनाएं याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रमुख कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाएं आपको स्मृत होनी चाहिए, लेकिन आप इनको पढ़ लेंगे तो एक बार आपकी समझ में आ जाएगा कि ये रचना उस कवि की है लगभग, और उसका भाव समझ में आ जाएगा, वो किस तरह कविताएं लिखते थे, कैसी रचनाएं करते थे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और यदि मन में कोई सवाल हो वीडियो को लेकर के तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी कीजिए, और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दूसरे साथियों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे बनने वाली सभी वीडियो का। तो विद्यार्थियों, जल्दी हम नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने समाज को और देश को सुरक्षित रखें।